75 2 से आपका 150 हो गया, 135 एम्पीयर हो, तो आंसर हो गया आपका 5 एम्पीयर। तो ये है खास चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना मतलब क्या, एक डबल तो दूसरा डबल, एक ट्रिपल तो दूसरा ट्रिपल, एक 5 टाइम्स तो दूसरा 5 टाइम्स, इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना। और यही प्रॉपर्टी, यही प्रिंसिपल बना मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, राइट? समझा? तो इसको, ये जो चीज लिखी ना, आई इज प्रोपोर्शनल थीटा, इज दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। सो दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। इसी प्रिंसिपल पे आपका एमसीजी काम करता है, ठीक है? समझा? हाँ सर। फिर कोई प्रश्न? कीर्तन फिर चुप हो गया यार। कीर्तन किधर गया? गई हूँ सर। मैसेज भी आया? हाँ तो बोला करना बीच बीच में, एक तो इतने दिन बाद आया, बोल भी नहीं रहा, कान तरस के तेरी आवाज सुनने के लिए। अरे बस क्या सर, कहते हो तो डिग्रीज में बैठता है आराम से, मैं तुझे मारता हूँ। ओके, ये मिथिलेश कौन सा 90 डिग्री नहीं समझा बेटा? अरे मिथिलेश कुछ मैसेज भेजता है तो बता दिया करें, मैं कैमरे के पीछे कम जाता हूँ सर। अगर मैसेज बता पाता तो बोल ही नहीं देता, समझ में नहीं आया। अच्छा समझ गया सर, पढ़ लिया मैंने, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ चीजें, जैसे सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। MCG का सेंसिटिविटी क्या होता है? सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर इज वन। तो सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर मतलब क्या, कम करंट में ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाना। छोटा सा करंट हो, कुछ डिफ्लेक्शन आए, तो डी थीटा बाई डी आई शुड बी लार्ज। ये अगर लार्ज है, कौन? For sensitive, sensitive galvanometer। चिड़िया की आवाज आ रही है बेटा, चिड़िया की या चाइम्स की किसी की आ रही है आवाज, म्यूट कर लो, कोई तो है। तो सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होना मतलब क्या होना, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होना मतलब डी थीटा बाई डी आई शुड बी लार्ज। छोटा सा करंट चेंज करो, ज्यादा डिफ्लेक्शन आना चाहिए, सो दैट विल गिव यू अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। डी थीटा बाई डी आई और जस्ट थीटा बाई आई इज ऑल्सो ओके। तो यहाँ पे देखो, डी थीटा बाई डी आई क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आई, डी थीटा बाई डी आई इज एन ए बी बाई म्यू। लेट्स सी वेदर इट अपीयर्स लॉजिकल और नॉट। तो मोर इज नंबर ऑफ टर्न्स, सेंसिटिव इज गैल्वेनोमीटर, इज इट ट्रू? हेलो। हाँ सर। यस, मोर इज, मोर इज नंबर, मोरा नंबर ऑफ टर्न्स, सेंसिटिविटी इज मोर। व्हाई? ज्यादा टर्न्स रहेंगे तो थोड़े से करंट में बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, हर एक टर्न को डिफ्लेक्शन मतलब टॉर्क लगता है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका बहुत बढ़ जाएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बढ़ेगा तो सेंसिटिव हो गया, राइट? एरिया ऑफ कॉयल, नेचुरली अगर एरिया ज्यादा है तो टॉर्क ज्यादा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मतलब थोड़ा सा भी करंट आएगा तो उसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अच्छा खासा आ जाएगा, तो ए इज मोर मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज मोर। बी, बी ज्यादा होना ऑब्वियसली, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे डिफ्लेक्शन लाने के लिए तो आपका ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, तो थोड़े से करंट में ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाएगा। म्यू, म्यू इज टॉर्शन कॉन्स्टेंट, मतलब आपको हल्का स्प्रिंग लगाना है, जो रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन जो प्रोड्यूस होता है वो कम रहना चाहिए, तो रीस्टोरिंग टॉर्क कम आएगा तो मतलब थोड़ा सा भी टॉर्क हो अच्छा घूम जाएगा, नहीं तो सारे एक्सप्रेशंस एकदम बराबर जा रहे हैं क्या?
d theta by d, that is sensitivity of moving coil galvanometer, is n a b by mu. N is number of turns, area of coil is a, b is induction field. तो इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका क्या सेंसिटिविटी, और सब लॉजिकल है. सेंसिटिविटी आपको दिखे गया होगा कैसे, ठीक है. अब देखो, अब एक होता है एक्यूरेसी. एक्यूरेसी मतलब क्या है, एरर कम आना. एरर कम आना मतलब क्या, अगर आपने सर यहां पे मैं करंट का एस्टिमेट निकालूंगा डिफ्लेक्शन देख के, तो अगर डिफ्लेक्शन रीड करने में गलती हुई आपसे, अगर आपसे डिफ्लेक्शन रीड करने में गलती हुई, तो नेचुरली आपको करंट की वैल्यू जो है वो गलत आएगी. नहीं याद है, 11th में पढ़ा था हमने एरर एंड एरर एनालिसिस. हेलो, हाँ सर, चुप हो गए, तंग कर देते हैं. तो एरर एनालिसिस पढ़ा था, करंट एंगल मेजर करके आप करंट का एस्टिमेट निकालोगे. अब एंगल ही मेजर करने में आपने गलती कर दी, मतलब करंट निकालने में आपसे गलती होने वाली है. नहीं, तो मुझे रिलेटिव एरर कम करना है. तो व्हाट इज रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर होता है इफ से डी थीटा बी एरर इन मेजरमेंट ऑफ थीटा, measurement of theta and DIB corresponding error in measurement of current. Error in measurement of current. ठीक, तो ये हो गया आपका d theta by, तो अभी रिलेटिव एरर कितना होगा करंट मेजरमेंट में, डी आई बाय आई. तो डी आई बाय आई की वैल्यू क्या होती है, ये होता है रिलेटिव एरर इन करंट. तो ये निकालना मुझे, रिलेटिव एरर इन करंट. ठीक, ओहो एक चीज छूट गया, वोल्टेज सेंसिटिविटी छूट गया. चलिए इसके बाद करता हूँ, पता नहीं कैसे भूल गया वोल्टेज सेंसिटिविटी. तो क्या करना है, डी आई बाई आई को कम रखना है या ज्यादा रखना है, बोलो. फिर चुप हो गए. थीटा इज इक्वल टू एन, देख बेटा आप एंगल देख के करंट का एस्टिमेट निकालोगे. इसमें जितना ज्यादा मैंने इसीलिए एग्जांपल लिख के दिखाया आपको, कि जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन. तो डिफ्लेक्शन मेजर करके मैं आपके करंट का एस्टिमेट निकालूंगा. अब किसी को रीड करना था 45 डिग्री और उसने रीड कर लिया 47 डिग्री, तो गलतियां होती है ना. 11th में हमने पढ़ा था, एक बड़ा सा चैप्टर था एरर एंड एरर एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है. हाँ सर. तो अगर थीटा मेजरमेंट में एरर आया है, तो नेचुरली करंट मेजरमेंट में भी एरर आएगा. करंट मेजरमेंट में जो एरर है, दैट इज सपोज डी आई. समझा? हाँ सर. हेलो. हाँ सर. मत तो दुखी करो, बोलो. तो थीटा मतलब डी आई बाई आई क्या हो गया, रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ करंट. एक्यूरेसी चाहिए मतलब ये वैल्यू कम होनी चाहिए, समझा. तो थीटा इज एन ए बी बाई म्यू आई, और डी थीटा की वैल्यू क्या है, एन ए बी अपॉन म्यू इन टू आई. तो सॉरी डी आई, तो डी आई बाई आई दोनों को डिवाइड कर दो इज डी थीटा बाई थीटा. मतलब कुछ खास बहुत मजा नहीं आया. यहाँ ये लिखा हुआ है कि भाई आपको ये कम करना है, तो डी थीटा कम करना है, ये तो सारी दुनिया जानती है. एंगल मेजरमेंट में एरर जितना कम करोगे भाई, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा आपका, एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी. तो ये तो सारी दुनिया जानती. तो कहने का मतलब कि आपको डी थीटा कम करना है, ठीक. अब थीटा ज्यादा करना है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है. मैंने आपको अगर 1 डिग्री एंगल मेजरमेंट करने के लिए दिया, तो आप हो सकता है उसको 1.3 डिग्री कर दो. हो सकता है आपको 0.3 डिग्री, 0.5 डिग्री, या समझो 1 डिग्री का ऊपर नीचे हो जाता है आपसे,
इतना छोटा मेजरमेंट आपसे लेने होता नहीं समझो, तो एक डिग्री का ऊपर नीचे है। लेकिन अगर मैंने 60 डिग्री बोला होता तो 60 को आप 61 पढ़ोगे तो चलेगा, 1 को 2 पढ़ लिया तो बड़ा मुसीबत है। नहीं समझा? हाँ सर समझ रहा। हाँ सर समझ रहा। इसीलिए जब जैसा करंट मेजर करना हो तब वैसा एमीटर और वोल्ट मीटर दिया जाता है आपको। अगर आपको बहुत छोटा करंट मेजर करना है तो आपको मिली एमीटर दिया जाता है, अगर आपको बड़ा करंट मेजर करना है तो आपको नॉर्मल एमीटर देते हैं। पता चला आपको दे दिया नॉर्मल एमीटर जिसकी रीडिंग सबसे छोटी 0.1 एम्पियर की है, और उससे आप मिली एम्पियर मेजर करने जा रहे हो, तो हो गया ना सत्यानाश, तो उसमें एरर ही एरर आएगा, समझा? या हो सकता है आप रीडिंग ही ना ले पाओ। एनीवेज ये बहुत आसान था, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक छुड़िया मुझसे, वोल्टेज सेंसिटिविटी। सी इसी से मैं वोल्ट मीटर बनाने वाला हूँ। किससे वोल्ट मीटर बनाने वाला? गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर बनेगा, गैल्वेनोमीटर से ही वोल्ट मीटर बनेगा, राइट? तो अब वोल्ट मीटर जब बनाऊंगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, मतलब थोड़ा सा वोल्टेज चेंज किया तो बहुत डिफ्लेक्शन आना चाहिए, मतलब डी थीटा बाय डीवी। जैसे वहां पर डी थीटा बाय डी आई निकाला था, यहाँ पर डी थीटा बाय डीवी ये है। तो समझने की कोशिश करते हैं क्या फर्क है इसमें। तो देखो करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट इज म्यू अपॉन एन ए बी थीटा। करंट इज म्यू अपॉन एन ए बी थीटा। तो वोल्टेज क्या होता है, आई इन टू आर, वेर आर इज रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। तो म्यू आर एन ए बी थीटा, ये वोल्टेज हो गया। तो डी वी बाई डी थीटा क्या हो गया, डी थीटा बाई, तो डी थीटा बाई डी वी क्या हो गया, एन ए बी बाय म्यू आर। तो डी थीटा बाई डी वी इज एन ए बी अपॉन म्यू इंटू आर। अब देखते हैं हम लोग किससे फर्क पड़ता है किससे फर्क नहीं पड़ता। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए n का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? कम। फिर चुप हो गए यार। सेंसिटिव होने के लिए n का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? यार ये तो नॉर्मल बेसिक मैथ से कैसी बात कर रहे? मुझे d थीटा बाई डी वी ज्यादा करना है मुझे, तो n का वैल्यू कम करेगा तो? नहीं नहीं ज्यादा कर दो यार, दुखी सब लोग मिलके मुझे। फिर फॉर्मूले में दिख रहा है n का वैल्यू होना चाहिए ज्यादा, a का वैल्यू ज्यादा ज्यादा, b का वैल्यू ज्यादा ज्यादा होना चाहिए, म्यू का वैल्यू कम होना चाहिए, r का वैल्यू कम होना चाहिए। टू योर सरप्राइज वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन एंड आर। ऐसा क्या हो गया भाई, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज यहाँ पर दिख रहा है फॉर्मूले में, सोच के देखो जरा क्या हुआ होगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन एंड आर। ऐसा क्या हुआ, वोल्टेज सेंसिटिविटी आपकी एन और आर पे डिपेंड नहीं करती, तो ऐसा क्या जादू हो गया? क्या बात है, ये लड़का लगता पढ़ के बैठता है, बहुत जल्दी सोच लिया। अरे जितने टर्न्स बढ़ाओगे, दो एक टर्न का आर है तो दो टर्न का टू आर हो गया, तीन टर्न का थ्री आर हो गया, राइट? भाई जितने टर्न्स उतना ज्यादा कॉइल का रेजिस्टेंस। अगर एक ही टर्न है तो समझो आर है, दो टर्न का टू आर, तीन टर्न का थ्री आर, बढ़ते जाएगा। तो इफ इफ रो बी रेजिस्टेंस पर टर्न, रेजिस्टेंस पर टर्न, तो आर क्या हो जाएगा, रो इंटू एन। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर एन ए बी अपॉन म्यू रो इंटू एन, एन एन कट। अब देख लो भाई ये तो कांस्टेंट है,
राइट, तो इस पे डिपेंड नहीं करता ना एन पे, ना किस पे, ना एन पे डिपेंड करता ना रो पे डिपेंड करता, इट डिपेंड्स ऑन ए बी एंड म्यू ओनली। समझा? हेलो, वो क्या जाता है मेरे को गुस्सा ही यार, तू तो बोल क्यों नहीं रहा कोई आजकल, है कि नहीं? सब चले गए, कितना टाइम हो गया? अरे तो बहुत टाइम बाकी है अभिमन्यु, बीच में हाँ ना तो बोला कर बेटा। अभिमन्यु? हाँ सर। अभिमन्यु हाँ तो बोला कर, रिस्पॉन्ड कर। तो ये हो गया सेंसिटिविटी, ठीक है? तो करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये सारी चीजें हो गई हमारी। अब चलते हैं इसी गैल्वेनोमीटर से बनाएंगे एमीटर, और इसी गैल्वेनोमीटर से बनाएंगे वोल्टमीटर। तो लेट्स सी व्हाई वी कैन नॉट यूज गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली एज एन एमीटर। एमीटर बनाने में प्रॉब्लम क्या है भाई? हमने देख लिया जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा करंट, तो गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर ऐसा वो गैल्वेनोमीटर ऐसा एमीटर, गैल्वेनोमीटर ऐसा एमीटर। तो ये रही आपकी देसी गैल्वेनोमीटर। क्या दिक्कत है, क्यों नहीं मैं इसको यूज कर सकता डायरेक्टली करंट मेजर करने में? भाई एक सर्किट है, ले उठाओ लगा दो आप, होगा क्या? यहां पे जीरो है, आप नोन करंट लेके आओ, आप नोन करंट लेके आओ, कितना समझो? पांच एम्पियर। पांच एम्पियर में आप देखो डिफ्लेक्शन कितना आता है, समझो यहां पर डिफ्लेक्शन है पांच एम्पियर पे, यहां पर इसको पांच लिख दो, फिर पांच इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक को दो तीन चार लिख, फिर इसको दस सर आप म्यूट हो गए, डिवाइड कर दो, तो एक हो गया पॉइंट वन एम्पियर, ऐसे इधर डिवाइड कर दो, ऐसे इधर डिवाइड कर दो, तो इसको कहते हैं कैलिब्रेट करना, तो कैलिब्रेट कर दो, तो डिफ्लेक्शन देख के जो डिफ्लेक्शन आएगा उसके हिसाब से आपका करंट आ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत है आपको? नहीं सर। तो क्या मैं गैल्वेनोमीटर को सीधा मुंह उठा के एमीटर की जगह लगा दूं? तो आंसर है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है। जैसे क्या? पहला, आइडियल एमीटर शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस। क्यों? इसके बिना रेजिस्टेंस सर्किट का कुछ और था, अब आपने लगा दिया गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर लगाने से सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया ज्यादा, तो इस हिसाब से करंट हो गया आपका कम। तो मतलब ये तो बदतमीजी वाली बात हो गई, जो करंट मेजर करने गए थे उसी को कम करा दिया। नहीं, मेजर करने गए थे सर्किट का करंट, और हमने अपना गैल्वेनोमीटर डाला तो उससे करंट ही चेंज हो गया, तो इसमें फिर मजा नहीं आएगा। नहीं, तो हमारे साथ दिक्कत क्या हुई? गैल्वेनोमीटर हैज सम रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर से बहुत सारे टर्न्स हो जाए, इट हैज सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस, सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस। सो इफ इट इज कनेक्टेड इन सीरीज with resistor, current to be measured changes, decreases. ये पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? रेंज की प्रॉब्लम है। अब जैसे आपने नोटिस किया इस गैल्वेनोमीटर को पांच एम्पियर पास करने से, इस एमीटर से अगर मैं 5 एम्पियर पास करूं तो ये गरीब फुल डिफ्लेक्शन दिखा देता है, तो इससे 6 एम्पियर कैसे मेजर करूंगा? मैंने नोटिस किया 5 एम्पियर पे जाके अटक गया, ठीक,
तो इससे 10 एम्पियर कैसे मेजर करोगे आप, उससे ज्यादा डिफ्लेक्शन तो मारता ही नहीं हो। तो रेंज का चक्कर है। आईजी आईजी वो कैम्ब्रिज बोर्ड वाला आईजी नहीं, आईजी इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक। एंड आई इज करंट टू बी मेजर्ड, करंट टू बी मेजर्ड, मैक्स मैक्स करंट टू बी मेजर्ड। भाई ये तो 5 एम्पियर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन निकालेगा, मजा नहीं आएगा। मुझे बनाना है एक ऐसा एमीटर जो 20 एम्पियर तक मेजर करे, एक जस्ट बात कर रहा हूं। आ रहा समझ में? सर हाँ सर। तो ये चीज बनानी है। तो ये दो कॉम्प्लिकेशन है। क्या फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है? हैज सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस बट आइडियल एमीटर विच इज कनेक्टेड इन सीरीज शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए जीरो, बट गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस नहीं होता जीरो, ठीक है। सो इफ इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टर करंट टू बी मेजर्ड डिक्रीजेस। करंट ही चेंज कर डाला भाई आपने, क्यों किया ऐसा? तो करंट चेंज कर दिया, जो मेजर करने गए वही चेंज कर दिया, तो फिर तो बड़ी लॉजिकल सी बात हो गई कि उसको हम एमीटर की जगह लगाएं, ठीक। तो हमने क्या किया, फिर देखें क्या करना है इसके लिए। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? रेंज। भाई वो 5 एम्पियर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा देता है, मुझे मेजर करना है 25 या 20 या 10 या 6 जो भी, तो मुझे कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। तो ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं कैसे? जस्ट बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, उसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। इस डब्बे के साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक हमने क्या मेजर कनेक्ट कर दिया, तो ये रहा वो गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये रहा वो गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर, इस गैल्वेनोमीटर को मैंने कनेक्ट कर दिया एक शंट से, ऐसा, ठीक। इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। ये शंट, ये गैल्वेनोमीटर है, ये शंट। और इस डब्बे को सिंगल, इसको एक सिंगल यूनिट कंसीडर कर लिया मैंने, इस सिंगल यूनिट को बोलता हूं मैं एमीटर। कैसे मेरा काम हुआ इससे? शंट रेजिस्टेंस इज अ लो रेजिस्टेंस, शंट एस इज लो रेजिस्टेंस। तो दो रेजिस्टर अगर पैरेलल में हो जाएं, दो रेजिस्टर अगर पैरेलल में हो जाएं, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज लेसर देन द लोएस्ट वन। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज लेसर देन द लोएस्ट, जो कम रेजिस्टेंस वैल्यू है उससे भी कम हो जाता है कौन, उससे भी कम हो जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में। कोई रिस्पॉन्ड करेगा? हाँ सर। हाँ सर। तो एस लगाने की वजह से इसका रेजिस्टेंस हो गया कम, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस थोड़ा कम, राइट। तो ये पहली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती है रेजिस्टेंस लो करने वाली, फिर उसका जो सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस था उसको हम कम कर देंगे, पैरेलल में एक रेजिस्टर लगा दे तो कम हो गया ना। चलो तुम लोग करो जो करना, मैं जा रहा हूं। कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, कुछ बोल ही नहीं रहा है। हाँ सर समझ गया। तो बोलना बेटा, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं वेट कर रहा हूँ कोई बताएगा। हाँ समझ में आ रहा, समझ में आ रहा, समझ में, कोई बोल नहीं रहा कुछ। तो गैल्वेनोमीटर, तो ये हमने क्या किया, इसके साथ पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगा दिया, उसको हम लोग बोलते हैं शंट, शंट करना, शंट करना मतलब पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना। तो इसको हमने शंट रेजिस्टेंस लगा दिया एस। अब पहला काम हो गया, मेरा रेजिस्टेंस डिक्रीज करने की इच्छा थी वो हो गई थोड़ी। अब सवाल आता है वो रेजिस्टेंस कम ज्यादा तो कुछ खास मतलब नहीं है, मेन तो होता है रेंज, रेंज एडजस्ट करना। ये ट्रिक क्या काम आई? आपको मैक्स कितना करंट करना था? पास आई,
तो ये आई जो है ना, एस की वैल्यू मैं कुछ ऐसे चूज करूंगा कि जब यहां से आई आए तो इसके अंदर से सिर्फ आई जी जाए, बचा हुआ आई माइनस आई जी रह सकेगा। ये है असली ट्रिक। तो मैं शंट को कुछ ऐसा चूज करूंगा कि जब भी मैक्स करंट मेजर्ड, मतलब 10 एम्पियर, एक एग्जांपल, जब मुझे 10 एम्पियर मेजर करना हो तो 10 एम्पियर जब यहां से इन हो तो इससे पांच ही जाए और बचा हुआ इधर से निकल जाए। तो एक पैरेलल रूट मिल गया करंट को, तो करंट को जितनी जरूरत है अब उतना ही करंट वहां से जाएगा, बाकी का करंट नीचे से चला जाएगा। राइट। अब कैलिब्रेट करते वक्त ये तो मुझे मालूम है कि अंदर से 10 नहीं जा रहा है, इस डब्बे में से 10 आया, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा दिया, मेरी सेटिंग है, मैंने डब्बा बनाया, मुझे मालूम है ये 5 है, बट मैं कैलिब्रेट करते उसको 10 लिख दूंगा, क्या फर्क पड़ता है, बन गया कैलोमीटर का रेंज पड़ गया। सो दिस इज द ट्रिक जिससे आप डिजायर्ड एमीटर बना सकते हो विद हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर रेंज वाला एक और बार समझाना। आपको कितना करंट मेजर करना है, अपने मन से कुछ भी बोलो नंबर। 20 मेजर करना है, और इसका डिफ्लेक्शन फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितने में आ जाता है आपको पहले से पता होगा। 5 एम्पियर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ जाता है, मतलब मुझे पता है कि अगर इससे 5 एम्पियर पास हुआ तो ये अंग बस यहां पे जाके सर फोड़ देगा, इसके आगे नहीं जाएगा। मैं क्या करूं भाई, मैंने क्या किया, मैंने कुछ प्रॉपर शंट रेजिस्टेंस लिया ऐसा कि जब यहां से 20 एम्पियर जाए तो इसमें से 5 जाए, 15 इधर से जाए। नहीं समझा? समझ गया। तो मैं सेटिंग ऐसी करूंगा कि 20 का 5 इधर जाए। पर रह गई बात, आपको एमीटर बनाना था, तो आप बोले सर ऐसे कैसे, अभी तो 20 का आपने 5 कर दिया तो मेजर क्या? अरे मेजरमेंट अंदर किसी का कोई मेजरमेंट होता ही नहीं, करंट जैसी चीज मेजर होती ही नहीं है, किसमें? गैल्वेनोमीटर में। वो तो खाली डिफ्लेक्शन दिखाता, उससे मैं अंदाजा लगाता हूँ। अब मैंने देखा यार यहां पहुंच गया वो, और मुझे मालूम है कि इससे 20 पास किया मैंने, तो मैं इधर पे 20 लिख दूंगा। अब जब आप 10 ही पास करोगे तो उसके हिसाब से कुछ इससे निकल जाएगा, कुछ उससे आएगा, तो प्रोपोर्शनैलिटी मेंटेन्ड है, तो 10 एम्पियर आने में दिखा देगा, 5 एम्पियर और आने में दिखा देगा, 15 एम्पियर यहां पर दिखा देगा, तो वो अपने हिसाब से दिखाता चला जाए। तो वन टाइम कैलिब्रेट करना है, तो जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन आएगा मैं पहले से उसकी मार्किंग 20 कर दूंगा। ये सिर्फ मुझे मालूम है क्योंकि मैंने डब्बा बनाया, मुझे मालूम है कि अंदर उसके 5 एम्पियर गया, क्या फर्क पड़ता है, ये डब्बा है ना, ये पूरे डब्बे के अंदर तो 20 गया ना, और 20 के हिसाब से जहां पर डिफ्लेक्शन आया उसको मैंने 20 लिख दिया। ओके, तो ये है स्टोरी एमीटर बनाने की। तो क्वेश्चन इस पे जो आते हैं कि क्या शंट लगाना चाहिए, तो इधर पे इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, जी इंटू आई जी, दिस शुड बी इक्वल टू एस इंटू आई माइनस आई जी। तो जी इंटू आई जी इक्वल टू एस इंटू आई माइनस एस इंटू आई जी। तो मुझे एस की वैल्यू चाहिए, तो एस आई इक्वल्स टू जी प्लस एस आई जी, तो आई सॉरी एस 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 जी प्लस एस। अरे यार इसको इधर लाना, क्या कर रहा हूँ, एस का वैल्यू चाहिए था, तो एस का वैल्यू क्या हो गया, जी इंटू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, ये हो गया फॉर्मूला शंट। ठीक, कभी कभी पूछते हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट पासेस थ्रू गैल्वेनोमीटर, आई जी बाई आई की वैल्यू पूछते हैं, तो आई जी बाई आई की वैल्यू हो गई एस अपॉन जी, रीअरेंज कर ले, क्या एस बाई जी हो गया ना, एस आई माइनस एस आई जी इक्वल्स टू जी आई जी, जी आई जी, तो आई जी के टर्म्स कॉमन, एस अपॉन जी प्लस एस, तो आई जी अपॉन आई इज इक्वल टू एस अपॉन जी प्लस एस। तो ये दो एक्सप्रेशन याद ही रखने आपको बेटर है, नहीं याद रहेगा तो डिराइव कर लो, कोई बड़ी बात नहीं। ओके समझा? सो दिस इज हाउ
वी प्रिपेयर एमिटर फ्रॉम गैल्वेनोमीटर. ओके चलो नेक्स्ट क्लास में वोल्टमीटर देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. फिर इस तरह से हमारा ये चैप्टर हो जाएगा, ये टॉपिक फोर्स वाला टॉपिक हो जाएगा खत्म. फिर बचेगा मैग्नेटिक फील्ड मेजर करना, वो उसके बाद. चलो आई विल स्टॉप.